अगर हम लगातार विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या समस्या देखने को मिल सकती है। इनडाइजेशन आपको हो सकती है, आपको गैस बनने की सबसे पहले समस्या होती है, पेट फूलने की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, IBS की समस्या हो जाती है, जो कि आज के दौर में ये बिल्कुल कॉमन हो चुका है। हर पांचवें व्यक्ति को IBS की समस्या हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों वात रोग हो सकते हैं, पित्त रोग हो सकते हैं, अथराइटिस हो सकता है, त्वचा से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों से रोशनी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, किसी ना किसी तरह से आपको विटामिन की कमी हो सकती है, या फिर आपको कमजोरी, थकावट, इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, एसके हेल्थ यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विरुद्ध आहार की। विरुद्ध आहार आपने दोस्तों बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन आज हम डीपली बात करने वाले हैं कि विरुद्ध आहार कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार हम विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक विरुद्ध आहार का किस किस प्रकार सेवन कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों जीवन शैली में हम जाने अनजाने में विरुद्ध आहार का सेवन किस प्रकार कर रहे हैं और विरुद्ध आहार का सेवन हम किस प्रकार से इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों समय को ना खराब करते हुए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं विरुद्ध आहार किस प्रकार हम ग्रहण करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि हम विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं। विरुद्ध आहार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है दोस्तों देश विरुद्ध आहार। देश विरुद्ध आहार जो होता है, जाने अनजाने में आप इसको ग्रहण जरूर कर रहे होंगे। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने देश का जो है खाना नहीं खाते हैं, हम देश का खाना ना खाते हुए हम बाहर के खानों को ज्यादा पसंद करते हैं। जो हमारे देश में खाना बन रहा है हम उसका कम सेवन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उसका सेवन कम कर, आप विदेशी फूड का ज्यादा सेवन करते हैं। जिस प्रकार से बर्गर जो है हमारे देश का ये फूड नहीं है, और साथ ही साथ चाइनीज फूड का हम ज्यादा सेवन करते हैं, ये भी हमारे देश का जो है फूड नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो ये विरुद्ध आहार ही होता है। अगर आप इसका रेगुलर बेस में सेवन करते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं। अगला होता है दोस्तों अग्नि विरुद्ध आहार। अग्नि विरुद्ध आहार में क्या क्या आता है दोस्तों, हमें व्यक्ति को जो है हमेशा अपनी अग्नि को पहचान कर ही उसका भोजन ग्रहण करना चाहिए, अपनी बॉडी के हिसाब से उनको भोजन करना चाहिए, वात पित्त और कफ को देखते हुए उसको भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार की उसकी अग्नि है उस प्रकार उसको भोजन करना चाहिए। जैसे कि वात प्रकृति वाले लोग जो है वात प्रकृति के नियमों का पालन करें, पित्त प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो पित्त प्रकृति के नियमों का पालन करें, और जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो कफ प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अगर करते हैं तो वह इस विरुद्ध आहार से बच सकते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों कर्म विरुद्ध आहार होता है। जिस प्रकार हम कर्म वाइज अपना भोजन करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा दोस्तों कि आप जब भोजन करते हैं तो भोजन के बाद हमेशा जो है मीठे का सेवन किया जाता है। आयुर्वेद की माने तो हमें मीठा पहले और कसैला बाद में खाना चाहिए। हमें जो है बहुत सारे रसों का सेवन करना होता है, जैसे कि मीठा, कसैला, कड़वा, खट्टा, मीठा, हर तरह के हम जो है रसों का सेवन करते हैं, लेकिन जो मीठा होता है आयुर्वेद की अगर मानते हैं तो हमें पहले मीठे का सेवन करना होता है और कसैले का बाद में करना होता है। जिस प्रकार आयुर्वेद में बताया जाता है कि छाछ का हमेशा खाना खाने के बाद में सेवन किया जाता है, तो वो कसैला होता है, उसी प्रकार मीठे का सेवन सबसे पहले किया जाता है। तो यह होता है कर्म वाइज। कहने का मतलब यह है कि कर्म वाइज अगर आप अपने आहार को लेते हैं तो आप विरुद्ध आहार का सेवन से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप गर्म के ऊपर ठंडा पानी पीते हैं तो इसको भी हम विरुद्ध आहार बोलते हैं, जो कि आयुर्वेद में इसको परिहार विरुद्ध आहार के नाम से जाना जाता है। अगला जो आयुर्वेद में वर्णन किया गया है उपचार विरुद्ध आहार। अगर आप किसी भी बीमारी के चलते उस बीमारी का ख्याल ना रखते हुए अगर भोजन करते हैं तो हम उसको उपचार विरुद्ध आहार बोलते हैं। किसी भी तरह की बीमारी है तो उस बीमारी का ख्याल रखते हुए आपको भोजन करना अनिवार्य है, नहीं तो दोस्तों वह विरुद्ध आहार हो सकता है। आयुर्वेद में एक और वर्णन किया गया है संयोग विरुद्ध आहार। दोस्तों आजकल किसी भी चीज को हम बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे उसका सेवन करते ही जा रहे हैं। जिस प्रकार हर चीज का एक एक संयोग होता है, आप
आजकल क्या होता है, आजकल का एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम किसी भी चीज़ को संयोग नहीं देते हैं, मतलब कि उन चीज़ का कोई ऐसा योग नहीं बनता है, हम फिर भी उस चीज़ का सेवन करते रहते हैं। तो संयोग विरुद्ध आहार होता है, जैसे कि दूध के साथ खट्टे फल का सेवन करना, दूध के साथ नमक का सेवन करना, चाय के साथ रोटी का सेवन करना, या फिर खिचड़ी के साथ दूध का सेवन करना, हरे पत्तीदार सब्जियों का दूध के साथ सेवन करना, मछली का दूध के साथ सेवन करना, लहसुन के साथ दूध का सेवन करना और दही के साथ दूध का सेवन करना, यहाँ तक कि दोस्तों खीर के साथ कढ़ी का सेवन करना, इनका कोई भी ऐसा संयोग नहीं बनता है। आयुर्वेद में दोस्तों इस चीज का वर्णन किया गया है कि संयोग विरुद्ध आहार से आप बचे। जिस प्रकार मैंने आपको ये लिस्ट बताई है, इन लिस्ट को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। आयुर्वेद में एक और वर्णन किया गया है विधि के विरुद्ध आहार का सेवन करना। विधि के विरुद्ध आहार का सेवन का मतलब है जब हम भोजन करते हैं तो हम कभी भी टीवी का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, या फिर हम खड़े होकर ना खाएं, या फिर खाने के जो नियम होते हैं हम उनको अगर पालन नहीं करते हैं तो यह विधि के विरुद्ध आहार का सेवन होता है। यह भी दोस्तों विरुद्ध आहार में ही आता है। आयुर्वेद में एक और वर्णन किया गया है प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना। दोस्तों अगर आप प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हैं, जिस प्रकार की अभी जो मौसम चल रहा है हम उस मौसम के हिसाब से नहीं खाते हैं या फिर प्रकृति के हिसाब से नहीं खाते हैं, तो दोस्तों हम किसी ना किसी प्रकार से विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं। तो आपको हमेशा जो है प्रकृति के नियमों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। ये सिर्फ सुबह जो है फल फ्रूट्स का ज़्यादा अधिक सेवन करना चाहिए, दोपहर में हमें सैलेड का और खाना खाना चाहिए, शाम को हमें हल्का भोजन ही खाना चाहिए। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है वो क्या करते हैं कि हम सुबह ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, खाली पेट रहते हैं, दोपहर में हल्का फुल्का खाने के बाद रात को अच्छी तरह जो है पेट भर भर के खा लेते हैं। तो यह जो है प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ अगर ऐसा भोजन करते हैं तो आपको विरुद्ध आहार कहीं ना कहीं आप उसका सेवन कर रहे हैं। अगर हम लगातार विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या समस्या देखने को मिल सकती है। कभी कभी तो विरुद्ध आहार का अगर आप सेवन करते हैं तो वह एक बार में चल जाता है, उससे कोई भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलती है। लेकिन आप उसको बार बार दोहराते हैं, बार बार इन चीज़ों को करते हैं तो आपको क्या क्या समस्या देखने को मिल सकती है। इनडाइजेशन आपको हो सकती है, आपको गैस बनने की सबसे पहले समस्या होती है, पेट फूलने की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, IBS की समस्या हो जाती है, जो कि आज के तौर में ये बिल्कुल कॉमन हो चुका है। हर पांचवें व्यक्ति को IBS की समस्या हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों वात रोग हो सकते हैं, पित्त रोग हो सकते हैं, अर्थराइटिस हो सकता है, त्वचा से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, किसी ना किसी तरह से आपको विटामिन्स की कमी हो सकती है, या फिर आपको कमजोरी, थकावट, इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप रेगुलर विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। और इनसे आपको समाधान कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहला आपको समाधान करना है, अगर आप विरुद्ध आहार का रेगुलर सेवन कर रहे हैं, अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि हम इसको कैसे छोड़ें, अगर आप इसको विरुद्ध आहार का रेगुलर सेवन अभी भी कर रहे हैं तो आप इसको तुरंत मत छोड़िएगा। इसको आप धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को आप कम करते जाइएगा, तभी आप विरुद्ध आहार से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों जितने भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स पे आप गौर कीजिएगा। यही दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आप अपने अंदर विरुद्ध आहार ले रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों आप प्रकृति के खिलाफ ही जा रहे हैं। अगर आप विरुद्ध आहार का हमेशा सेवन ऐसे ही करते रहेंगे तो आप कभी भी बीमारियों से निजात नहीं पा पाएंगे। आपको बीमारियों से अगर निजात पानी है तो आप जो है जिस प्रकृति में रहते हैं उस प्रकृति के हिसाब से ही अपना भोजन करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आशा करता हूं दोस्तों दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।